अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रवि सिक्योरिटीज मोहम्मद जजेफ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा था, इंडेक्स को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिला था। 79,151 के करीब आज का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो है वो इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA से ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा। ड्यूरिंग द सेशन हम लोग देखते हैं कि इंडेक्स जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डेली टाइम फ्रेम 9 EMA से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ जाता है। आज भी बिल्कुल इसी तरह हुआ, इंडेक्स जब 79,000 अबव गया तो वहाँ से फिर हम लोग को प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, और फिर आज इंडेक्स के अंदर हम लोग को जो है वो प्रॉफिट टेकिंग जो है वो सेलिंग प्रेशर के अंदर भी कन्वर्ट होती भी नजर आई है। सेकेंड हाफ के अंदर आज की क्लोजिंग हम लोगों ने 77,886 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 741 पॉइंट लूज करता हुआ हमें नजर आया है। इंडेक्स आज टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो FFC जो है वो कुछ पॉइंट्स ऐड करता हुआ नजर आया है। 38 पॉइंट FFC ने इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। फातिमा फर्टिलाइजर ने 19 पॉइंट, हैंग्रो ने 16 पॉइंट, PAKT ने 8 पॉइंट और नेस्ले ने 8 पॉइंट। लूजर साइड के ऊपर देखा जाए तो UBL जो है वो 87 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। सिस्टम 70 पॉइंट, लकी सीमेंट 67 पॉइंट, OGDC 49 पॉइंट, पाक ऑयल फील 45 पॉइंट और HBL जो है वो 32 पॉइंट लूज करता हुआ हमें नजर आया है। इसको अगर चेक करें हम लोग वॉल्यूम को तो आज वॉल्यूम भी जो है वो हम लोग को इंडेक्स के अंदर जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आया। आज केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोग को 112.54 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 143.37 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 30.83 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 21.5% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। अगर आज देखें हम लोग तो जब से इंडेक्स जो है वो 82,000 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, इंडेक्स में जब से सेलिंग प्रेशर ट्रिगर है, तो ये आज की जो है क्लोजिंग हम लोग को लोवेस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। एक क्लोजिंग जो है वो हम लोग को रिबाउंड होने से पहले जो लोवेस्ट क्लोजिंग थी वो 78,000 अबव देखने को मिली थी, लेकिन आज 78,000 अबव देखने को मिली थी, लेकिन आज की क्लोजिंग जो है वो 78,000 बिलो देखने को मिली है। 77,886 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है, तो ये एक अच्छी सपोर्ट भी है जहाँ पे आज इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास क्लोजिंग देखने को मिली है। इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक होता हुआ नजर आ रहा था। इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट भी हुई उस दिन भी जो है वो इंडेक्स इस रेंज बाउंड एक्टिविटी से ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं हो पाया। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA को देखें तो यहाँ से जो चलती हुई आ रही थी 19 जुलाई 2024 के दिन जब इसका ब्रेकडाउन हुआ 80,000 से बिलो, तो इंडेक्स जो है वो फिर रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक हो गया, और फिर इसी लेवल से जो है वो रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें नजर आ रहा है। सपोर्ट की अगर बात करें जो चैनल की सपोर्ट है वो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए तो 77,500 के पास हमें चैनल की सपोर्ट देखने को मिल रही है। इंडेक्स जो है आज यहाँ पे हमें जो है वो कर्व लाइन की सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता हुआ नजर आई है। इंडेक्स के अंदर कर्व लाइन की सपोर्ट जो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था जहाँ से पिछली बार था इंडेक्स जो है वो रीबाउंड हुआ था, यहाँ से हम लोगों ने जब रीबाउंड होता हुआ देखने को मिला था 78,000 से 79,400 तक इंडेक्स के रीबाउंड होता हुआ देखने को मिला, एक शॉर्ट टर्म रिकवरी देखने को मिली थी जो कि यहाँ पे कर्व लाइन की सपोर्ट जून 2023 से चलती हुई आ रही थी। आज वो सपोर्ट जो है वो इंडेक्स पहले इस कर्व लाइन से पहले जो है वो 4 मरतबा सपोर्ट ले चुका है, लेकिन आज यहाँ पे जो है वो कर्व लाइन की सपोर्ट जो है वो ब्रेक होती हुई हमें नजर आई है। ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो है वो आज इंडेक्स ने क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक किया है, लेकिन बिल्कुल नेक्स्ट सपोर्ट के पास ही क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। नेक्स्ट सपोर्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें भी तो ये चैनल की सपोर्ट है, 6 मंथ लॉन्ग पैरेलल चैनल जो अपवर्ड चैनल का चलता हुआ आ रहा है। यहाँ से हम लोगों ने जो आप लोगों को बताया था कि बिल्कुल टॉप के ऊपर के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो अब अपने यहाँ पे चैनल के बॉटम के पास पहुंच चुका है। चैनल का बॉटम देखें तो 77,500 के पास हमें देखने को मिल रहा है। 500 के पास यहाँ पे देखें तो चैनल के बॉटम के पास ही क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली, और इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें अवर्ली बेसिस के ऊपर तो यहाँ अवर्ली लास्ट मिनट्स के अंदर जो है वो हमें अच्छे हेल्दी वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नजर आए। ये लास्ट मिनट्स के वॉल्यूम अगर हम लोग देखें तो लास्ट मिनट्स के अंदर जो है वो 66 मिलियन वॉल्यूम का काम हम लोगों ने होता हुआ देखा है केसी 100 इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पे कुछ चेंज ऑफ हैंड्स होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स कल अगर 77,500 को होल्ड कर जाता है तो हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, अदरवाइज अगर इंडेक्स जो है वो 77,500 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो लाइफलाइन सपोर्ट होगी वो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर
सॉरी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA की सपोर्ट जो है वो यहाँ पे हम लोग को 77,000 के पास देखने को मिल रही है। ये एक स्टॉप लॉस एरिया होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, इंडेक्स का स्टॉप लॉस एरिया 77,000 होगा। यहाँ से इंडेक्स रीबाउंड होता है 77,500 के पास से सपोर्ट लेता है तो फिर स्ट्रेटेजी बाइंग ऑन डिप वाली होगी। जब चीज़ें फेवर में जाना शुरू हो तो फिर क्वान्टिटी को एड किया जा सकता है, लेकिन जब 77,500 ब्रेक हो तो थोड़ा सा एहतियात करना है और 77,000 को के लेवल को देखना है। यहाँ से अगर रिकवरी आ जाती है, चेंज ऑफ हैंड होते हुए हमें नज़र आते हैं तो ठीक है, इंडेक्स रिबाउंड होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन ये ब्रेक हुआ तो फिर इंडेक्स जो है वो बुल्स जो है वो करेक्शन से निकल के, वो यहाँ पे इंडेक्स जो है वो करेक्शन से निकल के बेरिश स्पेल के अंदर हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, 77,000 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इंडेक्स याद रहे कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब से ब्रेकडाउन हुआ है तो 9 EMA अबव होल्ड नहीं हो पा रहा है। 9 EMA आप देखें तो 78,800 के पास हमें देखने को मिल रही है स्ट्रेटेजी। कल सुबह अगर यहाँ पे इंडेक्स रीबाउंड हो जाता है 77,500 से सपोर्ट लेके तो फिर बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी विद स्टॉप लॉस 77,000। लेकिन अगर इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो थोड़ा एहतियात से काम करना है, 77,000 का लेवल देखना है। यहाँ पे बाइंग आ जाती है तो बाइंग साइड के ऊपर जाना है, ठीक है इंडेक्स रिकवर होता है तो, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर स्टॉप लॉस लगा के लाजमी काम करना है, ठीक है। इंडेक्स अप साइड के लिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA अबव होल्ड होना होगा नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।